ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज परमपिता परमात्मा हमें 10वें दिन के ईश्वरी वरदान में अपनी छत्र छाया के बारे में याद दिलाते हैं। जिस छत्र छाया में रह करके हम आत्माएं सेफ रहती हैं, वो छत्र छाया क्या है उसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखें परमात्मा आज के हेडिंग में क्या कहते हैं, शीर्षक में बाबा कहते हैं, बाप की छत्रछाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भवा। तो परमात्मा कहते हैं जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्रछाया का आधार लेते हैं, धूप हो या बारिश हो तो हम छाता ले लेते हैं, वह है स्थूल छत्रछाया। मतलब वो तो आपकी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए छत्रछाया है। यह है बाप की छत्रछाया, परमपिता परमात्मा की, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। सेफ किससे रखती है? ना गलत कर्मों का हमें ऊपर असर पड़ता है, ना हमसे कोई गलत कर्म होते हैं, हम उन सारी चीज़ों से बच जाते हैं, ना हम कोई दुआ की जगह बददुआ कमा बैठते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं आत्मा के लिए छत्रछाया परमात्मा। लेकिन इंसान सोचते हैं कि परमात्मा तो हमें फिजिकली बचाते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम अपने कर्म ठीक कर लो, मेरी छत्रछाया में आकर के मेरे से गुण सीख करके, ज्ञान सीख करके, मैंने ये ड्रामा कैसे बनाया है, किन लॉस के अनुसार ये ड्रामा मैंने बनाया है, उसका ज्ञान ले लो आप ब्रह्म कुमारी समा के, तो आपको सब पता चल जाए कि आपकी ओवरऑल सेफ्टी कैसे होगी, प्रोटेक्शन कैसे होगी। फिर वह कहते हैं बाप की छत्रछाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है, उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। मतलब ये दुनिया जो है कलयुग की दुनिया में जो आकर्षण के कारण हमें लोभ हो सकता है, अहंकार हो सकता है, ईर्ष्या आ सकती है, घृणा हो सकती है, तो परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें आपको आकर्षित कर ही नहीं सकती। आप सेफ रहोगे अगर आप मेरी गाइडेंस, मैंने जो आपको सिखाया है और हर दिन जो हमें सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारीज में, 1 घंटे की जो हमें क्लास होती है हर दिन की क्लास, मतलब आप उसको अपने मन को शांत करने के लिए, सही दिशा देने के लिए, आपके लिए गाइडेंस। तो परमात्मा कहते हैं वही मुरली जो है, वो महावाक्य जो है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, वो हमारी छत्र छाया है, उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। मतलब कोई गलत चीज उसको खींच नहीं सकती आत्मा को। दिल से बाबा कहा और सेफ, दिमाग से नहीं, दिल से बाबा का, बाबा मतलब पिता, परम पिता को बाबा हम प्यार से कहते हैं, दिल से बाबा कहा और क्या हो गए, सेफ हो गए, क्योंकि बाबा की सारी बातें याद आएंगी, बाबा ने क्या कहा है वो याद आएगा। जैसे एक बच्चे को याद होता है पिता ने कहा है कि बच्चे आज घर से बाहर मत निकलना, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप फिसल जाओगे, आप गिर सकते हो, बारिश में भीग सकते हो, तो बच्चे को याद रहता है। बाबा जैसे याद आता है पिताजी ने क्या कहा था, हाँ नहीं जाना है बाहर आज। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं भी तुम्हें जैसे याद आता हूँ, तुम्हें याद आता है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो तुम सेफ रहते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, विकराल सिचुएशन हो, उस समय हो सकता है कि आपके अंदर के सारे विकार बाहर आ रहे हो, कि आपको मन करे कि मैं इस सिचुएशन में इसको ठीक कर दूं, सब कुछ ऐसे कर दूं, ज़बरदस्ती से मैं सब कुछ ठीक कर दूं, बदला ले लूं या कुछ भी कर दूं मैं ऐसा, ताकि फ़ायदा हो जाए एंड मुझे कोई फिक्र नहीं, चाहे किसी और का नुकसान हो ना हो, परमात्मा उससे भी बचा देते हैं हमें। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, छत्रछाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का एकमात्र भी नहीं आ सकता। तो परमात्मा कहते हैं कि माया के प्रभाव का सेक मात्र भी आ नहीं सकता। तो उसके जो माया जो है, उसका जो सेक है, जैसे हम कहते हैं कि अग्नि का सेक होता है, उसका तप हमें फील होता है, तो परमात्मा कहते हैं कि माया कभी आपको सेक नहीं आ सकता, उसकी आपको दूर से वाइब्रेशन, उसकी एनर्जी भी आपके पास नहीं आ सकती, वो भी आपसे दूर रहेगी। तो वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा ज्ञान है, ये छत्रछाया है क्या, इसको सीखने के लिए आपको ब्रह्म कुमारी इसका सेमिनार इसको करना बहुत ज़रूरी है।
इसके साथ में ओम शांति।